हम सबसे पहले लेंगे एक पैन, और पैन के गर्म हो जाने पर डालेंगे हम शुद्ध घी 1 चम्मच। अब मैं इसमें डालूंगी कटा पिस्ता और बारीक कटा बादाम। इन्हें हमें रोस्ट करना है। इन्हें घी में रोस्ट करने से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। अब इसमें डालेंगे सेवई, लगभग आधा कटोरी। सेवई हमेशा पतली वाली ही चूज़ करें सेवई बनाने के लिए। एक तो ये आसानी से हमें बाज़ार में मिल जाती है, और इसका टेस्ट भी सेवई में बहुत बढ़िया आता है, तो हमेशा पतली वाली सेवई ही यूज़ करें। हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है, इसे अच्छी तरह घी में रोस्ट करना है। तो करीब 5 मिनट के बाद सेवई हमारी गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे मैं निकाल लूँगी। अब मैं लूँगी एक कढ़ाई, इसमें डालूँगी दूध लगभग आधा लीटर। दूध हमें बॉईल करना है, इसे हमें गाढ़ा करना है। दूध आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपके पास गाय का दूध हो, चाहे आपके पास पैकेट का दूध हो, चाहे आपके पास भैंस का दूध हो। सेवई बनाने के लिए आप कोई सा भी दूध यूज़ कर सकते हैं। अब दूध को जल्दी गाढ़ा करने के लिए मैं डालूंगी इसमें कंडेंस मिल्क। मैं यहाँ पर अमूल का कंडेंस मिल्क यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी कंडेंस मिल्क यूज़ कर सकती हैं, और इसे हम चलाते रहेंगे। सेवई एक स्वीट डिश है, बहुत ही अच्छी डिश है, जिसे सभी पसंद करते हैं, चाहे बच्चे हो या चाहे बूढ़े हो, इसे सभी पसंद करते हैं। और इसे आप कभी भी अपने घर में आसानी से बना सकती हैं, जब भी आपका मीठा खाने का मन हो। तो दूध थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, अब इसमें मैं डालूंगी रोस्टेड सेवई एंड रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स। हमें सेवई को दूध में पकाना है, इसे नरम करना है। अब मैं डालूंगी केसर। केसर स्टैंड को मैंने पहले दूध में डालकर रख दिया था, ताकि ये मेल्ट हो सके। इससे सेवई में बहुत बढ़िया कलर आता है। सेवई को दूध में हमें नरम करना है, इसे मतलब ऐसा बनाना है कि ये हमारे मुंह में जाए और आसानी से घुल जाए। सेवई को नरम होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये करीब 5 से 7 मिनट लगेंगे बस, और सेवई तैयार हो जाती है। अब मैं डालूंगी 2 चम्मच चीनी। क्योंकि हमने कंडेंस मिल्क यूज़ किया है, तो ये पहले से मीठी है, और अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप चीनी की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। इसे हम फिर से चलाएंगे। अब मैं गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद करूँगी, और इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो 10 मिनट के बाद हमारी सेवई ठंडी हो गई है, ये बहुत अच्छी बनी है। इसमें मैं डालूंगी बारीक कटा बादाम। अब मैं डालूंगी बारीक कटा पिस्ता, थोड़ी सी किशमिश, और हमारी सेवई बिल्कुल तैयार है। तो एंजॉय कीजिए इस स्वीट डिश को, आराम से बनाइए अपने घर पे। ये सारी चीज़ें आपके पास जनरली आपके घर में आपके किचन में अवेलेबल होती है। अब मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी सेवई कैसी बनी है। मैं फिर से आऊँगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।